हेलो गाइस, मैंने अभी रिसेंटली दो वीडियो पोस्ट की थी। पहली थी हाउ टू इंस्टॉल Realme UI 3.2 इन एनी एंड्रॉइड, एंड इसके साथ एक और वीडियो थी हाउ टू इंस्टॉल ColorOS 12 इन एनी एंड्रॉइड। एंड उस वीडियो में यार बहुत से लोगों को ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि उनके जो आइकन थे वो चेंज नहीं हो रहे थे। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने इंस्टाग्राम पे भी आपसे पूछा था, तो बहुत से लोगों ने बताया हाँ भाई हमें प्रॉब्लम आ रही है। सो आज की वीडियो में हम इसी के सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। एंड सबसे पहले सो सॉरी यार कि आपको बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का देखने के मिल रहा है, मैंने कोई लाइटिंग वाइटिंग सेट नहीं की। और इसका रीज़न ये है कि मेरा जो फ़ोन है वो खराब हो चुका है, वो बूट एनिमेशन में अटक गया है, तो वो रिपेयर होने का है। जैसे ही रिपेयर होकर आ जाएगा आपको फिर से वीडियो अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अभी हम इसकी वीडियो में बात करते हैं। एंड यार आज की वीडियो में डालने वाला नहीं था, लेकिन यार बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ और वीडियो भी आ जाएगी। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, आज की वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम है निकेत, आप देख रहे हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेक श्योर करना कि आपके जो यहाँ से सेटिंग में जाना और यहाँ से जो थीम में जाके मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे आपके आइकन पैक सिलेक्टेड हो। आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है बैक आ जाना। ओके, तो हमें जो होम स्क्रीन पे बैक आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे आइकन पैक हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये आइकन पैक चेंज हो गए हैं, क्योंकि मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो रियलमी वाई पे रन कर रहा है, तो आपको जो आइकन पैक है बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। तो लाइक हमें जो भी यहाँ पे आइकन चेंज करना है, जो भी आपका चेंज नहीं हुआ, लाइक मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा कैमरा का आइकन है ये चेंज नहीं हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करके रखूँगा, जो कस्टमाइज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको इसमें चले जाना है। इसमें आप जैसे जाते हो आपको जो कैमरा का जो आइकन आएगा इस पर क्लिक कर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे जो ColorOS वाला आइकन पैक जो मैंने दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेना। अब Realme UI वाली जो थीम है उसके लिए भी ये सेम ही है, तो आप इसी तरह से उसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है कैमरे का आइकन को चूज़ किया था, तो यहाँ पे जो भी मेरे को कैमरे का आइकन मिलेगा मैं उसे चूज़ कर लूँगा। तो ये रहा हमारा कैमरे का आइकन, तो सिंपली मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। अब चूज़ करते हैं, आप देख सकते हो जो ये जो आइकन है वो चेंज हो चुके हैं। तो मैं इसी तरह से जो सभी आइकन को यहाँ से जो है चेंज कर लूँगा अपने हिसाब से। तो देख सकते हो गाइस ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, हमारे आइकन चेंज हो चुके हैं। सो बस है गाइस आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की ट्राई करूंगा जैसे ही मेरा मोबाइल रिपेयर होके आ जाता है। तो यार इसी तरह सपोर्ट करते रहो, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड बाय।